छिंदवाड़ा के जिला न्यायालय परिसर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना देखने में आई है, जहां किसी निर्दयी मां ने अपने 15 दिन के कलेजे के टुकड़े को लावारिस अवस्था में फेंक दिया। काफी देर बाद जब लोगों ने देखा कि यहां पर एक नवजात पड़ा हुआ है, तो उन्होंने इसकी सूचना न्यायालय की कर्मियों को दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय के जज ने शिशु को जिला अस्पताल भिजवाया। शिशु पर चींटियां चल रही थी एवं उसकी अवस्था काफी गंभीर थी, इसलिए शिशु को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने न्यायालय के सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आरंभ कर दी है। बच्चे के माता पिता का पता लगाया जा रहा है। आज प्रातःकालीन लगभग 10 बजे के आसपास हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर में एक शिशु काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्ति पर ही हमारी कोतवाली की टीम वहां पर पहुंची। वहां पर जो शिशु था लगभग 10 से 15 दिन का प्रतीत हो रहा था और उस पर चींटियां वगैरह चढ़ रही थी, तो वो काफ़ी नाजुक हालत थी। उस नाजुक हालत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, और चूंकि शिशु था और इसलिए उसके विरुद्ध कोई ना कोई अपराध हुआ था, इस पर हमने 317 का IPC के अपराध पंजीबद्ध किया है। और साथ ही फुटेज के माध्यम से हम चेक भी कर रहे हैं अग्रिम विवेचना में कि कौन व्यक्ति है, किस महिला ने या किस पुरुष ने उस बच्चे को वहाँ पे छोड़ा है, ये भी विवेचना की जा रही है। हमें फुटेज से भी कुछ सहायता मिल रही है, लेकिन अग्रिम विवेचना में जो कुछ भी आएगा हम आपको पृथक से उससे अवगत करवा देंगे। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।